नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला जो आपकी किडनी को बचा सकता है किडनी फेलियर से। बिल्कुल सही सुना आपने, आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसी कॉम्बिनेशन बताऊंगा हर्ब्स का जो आपकी किचन में आराम से मिल जाता है, जो अपने आसपास आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, जिसके यूज करने से आप अपनी किडनी को नुकसान से बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर 10 में से एक इंसान को किडनी की दिक्कत है और इतने ही लोग किडनी की दिक्कत के शिकार होने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सब अपनी किडनी का ध्यान रखें। और जो पेशेंट हैं साई संजीवनी के किडनी का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उनकी किडनी ठीक हो चुकी है, किडनी यूरिया लेवल नॉर्मल हो चुका है, काफ़ी अच्छी हीलिंग हो चुकी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी रहने वाली है क्योंकि उनकी मेडिसिन बंद हो जाती है, मगर हम जो हर्ब्स देते हैं वैसे ही हर्ब्स उनकी किचन में भी होती है, उनको यूज़ करके वो अपने किडनी और यूरिया लेवल को लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबे टाइम तक स्टैटिक रख सकते हैं कि उनको ये किडनी की दिक्कत दोबारा ना हो, उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले अब हमारे पास कौन सी है आप सभी के लिए, वो है धनिया। धनिया यानी कोरिएंडर। कोरिएंडर एक ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली अपने घर के आसपास मिल जाती है, किचन में आप रोज खाते होंगे, मगर ये एक बहुत अच्छी डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक यानी कि वो आपका यूरिन बढ़ा देती है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जितना भी टॉक्सिक मटीरियल होता है आपकी बॉडी में वो फ्लैश आउट होना शुरू हो जाता है। जब वो फ्लैश आउट हो जाएगा तो आपकी किडनी सेफ हो जाती है। तो आप धनिया को यूज़ कर सकते हैं, इसके पत्तों का यूज़ कर सकते हैं, इसके सीड्स भी इजीली मिल जाते हैं इंडिया के अंदर, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जितने भी मेल यूअर्स हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं, उनको कोरिएंडर का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्रयोग करने से धनिया की बीजों का उससे आपकी बॉडी के अंदर क्या देखा जाता है कि एक मेल के अंदर इम्पोटेंसी आ जाती है। तो आपने इसका प्रयोग कम मात्रा में करना है और अकेले बिल्कुल नहीं करना। यानी अगर आप सब चाहें कि आप धनिया उबाल के पी लें या फिर धनिया के बीज को उबाल के पी लें तो ऐसा मत कीजिएगा, साथ में और चीज़ों को भी रखिएगा जिससे उसका जो इम्पैक्ट है वो बैलेंस हो जाए। तो अभी आपने जाना है कि कैसे धनिया आपकी हेल्प कर सकता है। डायबिटिक है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस को भी रिलीव करता है, आपका जो बीपी है वो भी मैनेज करता है और आपकी किडनी को रिवाइव करने में हेल्प करता है। अब चलते हैं हम सेकेंड हर्ब पे जो है हमारे पास, वो है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी होती है कच्ची हल्दी का आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक इंडियन किचन के अंदर मिल जाएगी, आपको बहुत इजीली मिलती है। ये बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पर आप कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ रख सकते हो जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, अपना इम्यून सिस्टम को टोन अप करती है। उनमें से एक है आपकी हल्दी। जो कच्ची हल्दी होती है बिल्कुल अदरक जैसे नज़र आती है। आप उसके थोड़ा सा छोटा सा पीस लेकर उसे क्रश कर आप उसको सिंपली बॉइल कर लीजिए, उसके बाद से छान कर आप पियेंगे तो किडनी की में रिवाइवल में हेल्प करती है। ये प्रोडक्शन देती है किडनी को, लीवर को, जिससे आपकी किडनी बची रह जाती है किसी भी नुकसान से। अब चलते हैं थर्ड हर्ब के ऊपर, वो है हमारे पास जिंजर। जिंजर आपको बहुत आराम से इंडियन किचन के अंदर बहुत आराम से मिल जाती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जब ये ताज़ी होती है, फ्रेश होती है, इसको हम अदरक कहते हैं, मगर जब ये सूख जाती है, पाउडर फॉर्म में आती है, तो इसको हम कह देते हैं सौंठ। दोनों का ही यूज़ आप कर सकते हैं अपनी चाय बनाने में, अपनी किडनी को डिटॉक्स करने वाली टी बनाने में। आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है, अगर आप सौंठ ले रहे हैं तो आपने 1/4 टीस्पून लेना है, मतलब एक चौथाई चम्मच आप ले सकते हैं। उसको आप गर्म पानी में डालिए, इसे बॉईल कीजिए, उसमें अपने टेस्ट के अनुसार आप थोड़ी सी उसमें हनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मगर क्या ध्यान देना है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी शुगर लेवल्स हाई रहते हैं तो ना आप हनी यूज़ करेंगे ना ही आप शुगर को यूज़ करेंगे। और जब आप शहद ऐड करें तो ध्यान रखें कि जो आपने टी बनाई है वो गर्म नहीं हुई। कभी भी बहुत गर्म टी के अंदर हनी को ऐड ना करें, इसका ध्यान रखें। जो प्रोटीन होता है हनी के अंदर वो डीनेचर्ड हो जाता है, हनी फायदे की जगह नुकसान दे जाती है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अब आपने अमाउंट का ध्यान रखना है, शहद और शुगर नहीं लेनी अगर आप डायबिटिक हैं, और अगर आप शहद ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो आपने टी बनाई है उसका टेम्परेचर ल्यूक वार्म हो, ज़्यादा हॉट ना हो, जिससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो। अब चलते हैं फोर्थ हर्ब के ऊपर और देखते हैं कि वो कैसे आपकी मदद कर सकती है।
जो फोर्थ हर्ब है वो है कोरिएंडर सीड्स, यानी धनिया के बीज। जैसे धनिया का पत्तों का यूज़ किया जा सकता है, वैसे धनिया के बीजों का भी यूज़ किया जा सकता है। सेम तरीके से आपने करना है, आपने हाफ स्पून कोरिएंडर सीड्स लेने हैं, उसका आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें अपने इच्छा अनुसार आप उसमें थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। जैसे जिंजर के साथ ध्यान रखा था वैसे ही हम कोरिएंडर सीड्स के साथ ध्यान रखेंगे। मेल लोगों के लिए कोरिएंडर सीड्स आप ना लेके चलें, अगर लें तो अकेले ना लें, साथ में आप जैसे जिंजर है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो जिंजर एंड कोरिएंडर का मिक्स कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जब कोरिएंडर सीड यूज़ कर रहे हो तो धनिया को अवॉइड करें, कोरिएंडर को अवॉइड करें, कोई एक चीज़ का प्रयोग करें, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ हर्ब के ऊपर जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी किडनी के रिवाइवल के अंदर। फिफ्थ हर्ब है तुलसी। तुलसी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भर भर के भरी हुई होती हैं। आपको कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की प्रॉपर्टीज कुछ डाइजेस्टिव भी होती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती हैं, प्लस में इसमें एक अजीब सी एल्कलिटी होती है, ये एल्कलाइन होती है, तो किडनी के जितने भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक बड़ी दिक्कत देखी जा रही होती है कि उनका एसिड जो बॉडी के अंदर बन रहा होता है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा होता, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग घट चुकी होती है, तो उसे हमें बफर देना पड़ता है, एक ऐसा मीडियम बनाना पड़ता है जहाँ पर बॉडी के अंदर एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो सके, जो पीएच है बॉडी का वो मेंटेन कर सके। तो उसमें किडनी के अंदर ऐसी दिक्कतों के अंदर जो हमारी तुलसी होती है बहुत अच्छा वर्क करती है उसको मेंटेन करने में। तो आप 3-4 लीव्स आप लेके इसे थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं, या बिना क्रश के भी अपने टी के अंदर उसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसको यूज़ आपने डेली करना होते हैं, आप जब इसे 5-6 मंथ यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हर्ब के ऊपर जो आपकी किडनी में हेल्प करेगी, आपकी किडनी को रिवाइव करने में आपकी मदद करेगी। तुलसी की तरह एक और हर्ब होती है, वो है गिलोय, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं, बड़े बड़े बेलों में लगी होती है, आपको हर दूसरे तीसरे पेड़ के ऊपर लगी हुई मिल जाएगी। इसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल पांग पत्ते के जैसे होते हैं, इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ ऐसी है जो आप को मेडिकल टर्म में समझाना या डॉक्टर की हैसियत से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स देते हैं जो हर जगह फिट हो जाती हैं, किसी पेशेंट को नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो है आपकी गिलोय। इसको आप अपने हर दवाई, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो खांसी की दवाई में भी मिलेगा आपको, जॉइंट की दवाई में भी मिलेगा, कैंसर की दवाई में भी मिलेगा, किडनी की दवाई में भी आपको ये मिल जाएगी, बुखार की दवाई के अंदर भी मिल जाएगी, पेट खराब है तो भी आपको हो सकता है कि उसके अंदर आपको गिलोय मिल जाए। गिलोय की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि पूरी बॉडी की को रसायन की तरह करती है, रसायन मतलब आपको बॉडी के अंदर रेजुनेट करती है, कुछ भी गड़बड़ चल रहा हो A to Z कुछ भी अपसेट हो ये इसको ठीक करने की कोशिश करती है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसका जो असर है बहुत फास्ट होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है। मानिए आप इसे छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो, बुजुर्ग को भी दे सकते हो, और बॉडी पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये जो गिलो है आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास जो फ्रेश लगी हुई हो आपने उसकी स्टेम काट के लेकर आनी है। आप तकरीबन 1 फुट की इसकी स्टेम काट लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, उसे क्रश कीजिए और उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप उसको छान कर उसमें अकॉर्डिंगली अपने अगर अपने टेस्ट के अनुसार आपने शुगर डालनी हो, हनी डालनी हो तो डाल सकते हैं। हनी के साथ जो आपका प्रिकॉशंस मैंने आपको पहले बताए हैं उसका ध्यान आपने हर एक केस के अंदर रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हर्ब के अंदर जो आपकी किडनी के रिवाइवल में हेल्प कर सकती है, वो है गोखरू। गोखरू गोखरू का जो लैटिन नेम है वो ट्राइबुलस प्रेरिस्टिस होता है। ये कांटेदार आपको फ्रूट की तरह होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत अच्छा डायबिटिक है। इसको आप लेते जाएंगे और आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिक मटेरियल फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फ्लश आउट होगा आपकी किडनी का रिवाइवल शुरू हो जाता है। तो जो भी मेडिसिन, जो भी हर्ब्स जो डायूरेटिक होती है यानी पेशाब को लाने वाली होती है, वो किडनी की रिवाइवल में आपकी हेल्प करती है। तो ये जो हर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ अब से, ये सारी की सारी डायूरेटिक हैं या एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। इसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने चाहे इसको कम अमाउंट में लें, चाहे इसको ज़्यादा अमाउंट में लें, आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बेनिफिट ही बेनिफिट करेगी। ये जो कोकरू है इसको हम अगर हम देखें कई तरीके से यूज़ किया जाता है। इसको हम ये
ठंडा होता है और आपकी जो यूरिन है उसकी आउटपुट को बढ़ाने की वजह से इसको रखा गया है इस फॉर्मूले के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हर्ब के ऊपर, जो देखते हैं कि कैसे हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट हर्ब में आता है खस। खस एक ऐसी चीज़ है जो जड़ होती है, आपको इजली नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक बहुत आराम से मिल जाती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कूलिंग इफेक्ट वाली होती है। साउथ में अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो इसकी स्पेशल आपके हार बनते हैं या कूलर्स के ऊपर इसको स्पेशली लगाया जाता है। इसकी बहुत मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। लोग इसको स्पेशली डेजर्ट कूलर्स के अंदर यूज़ करते थे पहले, अब तो चलो डेजर्ट कूलर्स कम हो गए, मगर इसको बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट वाला और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस वाला समझा जाता है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देती है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं अपनी किडनी की दिक्कत, क्योंकि इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है डायूरेटिक और इफेक्ट में कूलिंग होती है, मतलब आपकी बॉडी को ठंडा करती है, गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है। प्लस में अगर वो डायूरेटिक है तो वो आपकी किडनी के लिए वो अच्छी है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, जितनी मर्जी अमाउंट में आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं। हम एडवाइस करते हैं कि इसके छोटा सा आपने रूट का पार्ट लिया, आपने उसको पूरा बंडल सा बनकर आता है, आपने 2-3 रूट्स में अच्छी सी हों उसको आपने छोटे छोटे सीजे से काट लीजिए, उसके बाद उसको आप बॉइलिंग वाटर में डालकर, एक कप पानी में डालकर उसको बॉयल होने दें। जब वो हाफ रह जाए तो आप उसको ले सकते हैं। इसमें किसी शुगर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका खुद का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्वीट सा होता है। एक बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे मडी मडी फ्लेवर आ रहा है, जैसे बिल्कुल नए मटके में पानी डाला जाता है तो जैसे फ्लेवर आता है, वैसे ही फ्लेवर होता है खस का। तो बहुत इसलिए है, बहुत आराम से मिल जाएगी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे, आप उसको ले सकते हैं और उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है पुनर्वा। पुनर्वा अगेन किडनी की बात कर रहे हैं तो डायबिटिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इफेक्ट इसका डायबिटिक है, कूलिंग इफेक्ट है, किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं। सबसे खास बात, ये किडनी पे वर्क करने के साथ साथ आपकी लीवर पे भी काम करता है। जैसे आप इसको लेंगे आपको क्या लगने लगेगी, वो है भूख। आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो दिक्कत आपको हो रही थी कि भूख नहीं लगती, वो सडनली एकदम चेंज 2 डेज के अंदर इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी भूख खुल जाती है। अगर आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, लीवर फैटी है, आप स्लगिश हो रहे हैं, बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, किडनी की आउटपुट आप बढ़ाना चाहते हैं, उसे डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए पुनर्वा बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये है एक मल्टीपर्पस हर्ब। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जहां मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा जितना टॉक्सिक मटेरियल है वो सारा बर्नअप होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी की डिटॉक्स शुरू हो जाएगी। तो आप 2 तरीके से डिटॉक्स करेंगे, यूरिन से तो आपका निकला टॉक्सिक मटेरियल, प्लस में आपका जो मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हुआ है उससे जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल हैं वो भी बर्न हो जाएंगे और आपको डुअल इम्पैक्ट मिलेगा एक छोटी सी हर्ब पुनर्वा से। करना क्या कुछ नहीं है, इसकी रूट होती है पुनर्वा का, रूट यूज किया जाता है, आपने इसको लेना है, इसको आप क्रश कर लीजिए, थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उसको आपने 1/2 स्पून to 1 स्पून आपने इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको आप छान लीजिए, इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, जैगरी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं। हनी के साथ जो ध्यान रखना है वो आपको हम पहले बता चुके हैं, इसको आपने दिन में एक बार लेना है और इसका इम्पैक्ट आपको हाथों हाथ मिल जाता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, नेक्स्ट डे से आपकी भूख खुल जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम द डे सेकेंड आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट हर्ब जो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, वो है कौनसिल। कौनसिल क्या होता है, भुट्टे के बाल कहा जाता है। छल्ली वाले का सीजन हो, जब हो, जब छलियाँ आती हैं, आपके मेज आता है, भुट्टे आते हैं, तो उसके ऊपर जो आपके बना के दे रहे होते हैं तो उसके बाल वो अलग से इकट्ठे कर लेते हैं, तो आप उनसे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने लेना होता है, अराउंड 5 ग्राम आपने उनसे लेना है, आपने उसको पानी में डाल दीजिए, बॉइल कर लीजिए और आप उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा डायबिटिक है, कितनी भी दिक्कत होती है, मान लो आपको स्टोन भी हो रहा है, किडनी का स्टोन भी हो रहा है, तो भी वो फ्लश आउट हो जाता है सिर्फ इस हर्ब की वजह से। तो इतना अच्छा डायबिटिक है, तो इसको आप ले सकते हैं, आपकी किडनी की जो कंडीशन है, किडनी की जो हेल्थ है वो इम्प्रोवाइज हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखिए कि इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या चीज़ों को रखा है, तो आप इसमें देखेंगे कि हमने जो चीज़ें बताई
वो डायबिटिक यानी पेशाब को लाने वाली तो है, खुद को पेशाब लेकर आएगी, मगर उसमें साथ में है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, वो सारा ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर एक रिवाइवल शुरू होता है। प्लस में हमने क्या चीज़ रखी, हमने इसमें रखा पुनर्वा। पुनर्वा की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है, मेटाबोलिज्म बूस्ट। मेटाबोलिज्म बूस्ट अप तो क्या, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, जो आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी को जब लगने लगेगी, आपके सारे के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने रखा है कि वो आपको इजीली मिल भी जाए और आपकी हेल्प भी करे। जो पेशेंट किडनी फेलियर के हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए खास बात यह है, ये आपके आफ्टर ट्रीटमेंट हेल्प करने वाली है। आप जब साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं, अपना केयर पार्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपके सारे लेवल्स नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, किडनी आपकी फंक्शनिंग में आ गई। उसके बाद ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों ने लाइफ टाइम करना है, कभी नहीं छोड़ना, कॉन्टिन्यू रखना है, क्योंकि आपकी किडनी अब कमज़ोर हो चुकी है। आप मेरे पास आए थे, हमने आपका ट्रीटमेंट किया, तो किडनी की क्या होता है कि किडनी श्रिंक कर जाती है या डैमेज हो चुकी होती है, तो उसकी हम फुल रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि किडनी की ये जो दिक्कत है इसको आपने फुल लाइफ टाइम फेस करना होता है। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप कुछ ना कुछ फॉर्म में जो हर्ब्स देते हैं उसको यूज़ करते रहें। तो आपने इन हर्ब्स का यूज़ करना है, वो भी लाइफ टाइम। अभी आप इनको सिंगल सिंगल यूज़ कर रहे थे, आप इनको कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला बनाकर भी कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने इक्वल अमाउंट में सब ले लीजिएगा, कुछ जो फ्रेश हर्ब्स हैं उनको छोड़कर, जैसे गोखरू है ड्राई फॉर्म में होता है, पुनर्वा है ड्राई फॉर्म में है, कॉर्न सिल्क है वो ड्राई फॉर्म में होता है, अपना धनिया बीज है वो ड्राई फॉर्म में होता है, जिंजर की जगह आप सोट ले लीजिए, उसका जो ड्राइड पाउडर है वो ले सकते हैं, हल्दी आप ड्राइड ले सकते हैं। आप इक्वल अमाउंट में सबको अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको इकट्ठे क्रश कर आप उसको बॉइल कर भी ले सकते हैं। मेरे सारी किडनी के पेशेंट इसको करेंगे और वो भी पूरी लाइफ टाइम करेंगे, बिना छोड़े कोई दिक्कत होती है। तो आप सभी के लिए पहले की तरह हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपने बस फ़ोन करना है और जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं के लिए साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किडनी की जो दिक्कत है, किडनी को डिटॉक्स करने में, किडनी को रिवाइव करने में हेल्प करेगी। इससे आपका किडनी लेवल, यूरिया लेवल भी डाउन होना शुरू होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो जाएगा। ये सारे के सारे मेरे किडनी के पेशेंट तो करेंगे। जिनकी दिक्कत अभी स्टार्टिंग में है, स्टेज वन पर है किडनी फेलियर के, या सिर्फ डिटॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइट सा फॉर्मूला बहुत ईजी रहेगा, कोई इसे इम्पैक्ट नहीं रहेगा, कोई डॉक्टर की सुपरविजन की खास ज़रूरत नहीं है। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो उसका यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, आपको पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप ऐसा कुछ हर्बल आप ट्राई करेंगे। क्योंकि किडनी की दिक्कत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, तो उस चीज़ का ध्यान। ये एडवाइस ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट की तरह है, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपकी किडनी की रिवाइवल में, किडनी को हेल्प करने में, बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किडनी से रिलेटेड, कुछ पूछना हो किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है, नेम, एज, आपका जेंडर, क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, कितना किडनी लेवल है, कितनी बार आपको यूरिन करने जाना पड़ता है, कितनी बार आपको डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, वो फॉर्म, छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप हमारे डॉक्टर्स को भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में अटैच कर सकते हैं। एक बार ये जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं, डॉक्टर आपको खुद ब खुद कॉल करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपकी किडनी की दिक्कत के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा।